आदिवासी समाज ने की फांसी की मांग। स्थानीय तृणमूल नेता के बेटे पर पांचवी कक्षा की आदिवासी स्कूली छात्रा से दुष्कर्म व हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। घटना के विरोध में शुक्रवार दोपहर सैकड़ों आदिवासियों ने दक्षिण दिनाजपुर जिले के बंसिहारी थाना क्षेत्र के दौलतपुर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 512 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आदिवासियों ने तीर धनुष रामदा बल्लम के साथ सड़क जाम कर विरोध जताया। खबर पाकर बंसिहारी थाने की बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि आदिवासी स्कूली छात्र के साथ हुई घटना में आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। यही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक नाकाबंदी नहीं हटाएंगे जब तक कि उपमंडलीय पुलिस अधिकारी या उनके समक्ष रैंक का कोई अधिकारी आकर उन्हें सूचित नहीं कर देता कि आरोपियों को फांसी दी जाएगी। इस बीच आदिवासी लड़कियों पर बार बार हो रहे अत्याचार की घटनाओं के विरोध में जिले के आदिवासी संगठनों ने अगले सोमवार को दक्षिण दिनाजपुर में बंद का आह्वान किया। एएनएम न्यूज ब्यूरो। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।